गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था गॉस के नियम एवं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है ना। उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा था बेटा? विद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद होगी कि किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है बेटा? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो फ्लक्स होता था वो ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्लक्स अदिश राशि होती है, प्लस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उसके बाद हमने फ्लक्स का मात्रक देख लिया था, वोल्ट मीटर उसकी विमा लिख ली थी। फिर उसके बाद हमने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कि हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया था, एक वर्थ वाला क्वेश्चन भी किया था, उसके बाद एक घन वाला क्वेश्चन भी किया था। तीनों स्थितियों में हमने ऐसा देखा था कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी दिशा नियत थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत और उसका परिमाण भी नियत था, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बात की बात करूँ कि वही घन वाला अपना क्वेश्चन, मेरे पास एक घन है, क्या है बेटा? वही एग्जाम्पल है सेम, बस थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना है कि जो विद्युत, जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो अपन नियत देखते हैं, ठीक है ना। अगर विद्युत क्षेत्र नियत हो और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भैया घन से पारित फ्लक्स बताओ, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, ये मेरे पास एक घन है जिसकी भुजा कितनी बेटा? स्मॉल है। घन की भुजा कितनी बेटा? स्मॉल है। इसमें छह फलक होते हैं, छह सतह होती है। आपके पास जो विद्युत क्षेत्र है वो लिख रहा होगा E बराबर E नॉट I कैप, E बराबर E नॉट I कैप। और आपसे पूछा गया बताओ घन से पारित फ्लक्स फाई का मान कितना होगा? फ्लक्स का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा है I कैप, मतलब x एक्सिस में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बेटा? x एक्सिस में। आपको ध्यान में रखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा x एक्सिस में है, इस दिशा में E बराबर E नॉट I कैप। अब मैं आपसे पूछूं कि जो फ्लक्स का सूत्र होता है वो तो सर इस तरह से कुछ होता है, ई ए कॉस थीटा थीटा, ई और ए के बीच का कोण है थीटा, ठीक है ना। ई और ए का अदिश गुणनफल। ध्यान से देखा जाए तो इसमें छह सतह, चार सतह लंबवत हैं, चार सतहों में थीटा का मान 90 डिग्री। अगर मैं इस सतह की बात करूं तो इसके क्षेत्रफल सर इसकी दिशा ऊपर की तरफ, इसके क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ, बाहर वाली जो सतह है ऊपर वाली उसकी बाहर की तरफ, इसके पीछे वाली पीछे की तरफ। तो इसमें चार सतह तो लंबवत हुई और लंबवत के कारण फ्लक्स कितना होगा बेटा? जीरो। लंबवत सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा? जीरो। अब आपके पास दो सतह बचे, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो इस दिशा में होगा, उसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, और यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो इस दिशा में है। अब ये दोनों के बीच का जो कोण बना वो 180 डिग्री हुआ बेटा। तो यहाँ से जो पारित फ्लक्स है फाई वन वो कितना होगा बेटा? ई ए कॉस 180, कॉस 180। आपके पास ई का जो मान है वो कितना बेटा? परिमाण ई नो ए। इस फ्लक्स का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर हो जाए स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू बेटा माइनस 1। ये मान कितना होगा बेटा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। फाई वन का मान कितना होगा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। अब इसी तरह से इस फ्लक्स की बात करते हैं, इस वाले फ्लक्स में देखो ध्यान से, आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही है जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। तो यहां से पारित फ्लक्स की बात करी जाए तो वो कितना होगा बेटा? फाई टू। क्या लिखा जाएगा? ई नॉट ए स्क्वायर कॉस जीरो। क्योंकि ध्यान से देखो E और A के बीच का कोण दोनों एक ही दिशा में समांतर है 0 डिग्री, तो फाई टू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? E नॉट A स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अगर फाई नेट की बात करी जाए, फाई नेट तो फाई वन प्लस फाई टू, चार क्रॉस तो लंबवत होने के कारण शून्य वो दिखाई नहीं आते। फाई वन का मान माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, फाई टू का मान प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, टोटल कितना होगा बेटा? जीरो। टोटल कितना होना चाहिए? जीरो। तो घन से पारित फ्लक्स, अगर हमारा विद्युत क्षेत्र नियत होता है, अगर विद्युत क्षेत्र नियत है उसकी दिशा और परिमाण नियत है, तो घन से पारित फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। घन से पारित फ्लक्स हमेशा क्या होगा? शून्य, ठीक है। मैं एक और प्रॉब्लम कराता हूँ इससे। देखो घन की बजाय मैं क्या ले लूं बेटा? सिलेंडर। क्या ले लूं? सिलेंडर। और अगर सिलेंडर को मैं समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दूं, ये बुक का एग्जांपल होगा, मेरे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, समरूप विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने इस तरह से E सेट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका मान कुछ भी लिख लो, सपोज मैंने इसको लिख दिया E डॉट I कैप, वही मान लिया सिलेंडर। और इसमें आपने एक सिलेंडर रखा, इसमें आपने क्या रखा हुआ है? सिलेंडर।
और आपसे पूछा गया है इस सिलेंडर से, बारीक फ्लक्स बताओ, सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। आपको पता होना चाहिए बेटा जितने भी सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, जिस जो सिलेंडर होता है उसमें तीन सतह होती है, दो वर्गाकार सतह है। देखो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें छह फलक थे, गन में कितने फलक थे बेटा छह, तो हमने छह फलक को चेक किया कि छह फलक से कितना फ्लक्स गुजरता है, उनके संबंध कितना, उससे पारित कितना फ्लक्स है। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसमें तीन फलक है या तीन सतह है, दो वर्ताकार सतह है और एक इसका वक्राकार भाग है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके पहले। तो इन तीनों से हम फ्लक्स कैलकुलेट करके और उसका अधिश जोड़ कर ले, क्योंकि फ्लक्स अधिश राशि होती है। तो ध्यान से देखा जाए ना, तो सबसे पहले इस भाग की बात करें, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ही है, यहाँ पे आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में, तो इससे पारित फ्लक्स अगर मैं फाई वन लिखूं तो क्या होगा सूत्र बेटा, आर स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, कॉस कितना 180 डिग्री। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इसकी क्षेत्रफल की दिशा इधर, बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री। सिलेंडर कैसी सतह होती है बेटा, बंद सतह, और बंद सतह में क्षेत्रफल सदिश की दिशा आवेश अंतराल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, इस चौक को मैं सिलेंडर समझ लेता हूँ, तो ये जो वर्ताकार भाग है इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, ये जो वर्ताकार भाग है इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर, और ये जो वक्राकार भाग है जिस पॉइंट पे लोगे, जिसमें देखिए इस पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश इधर, इस पॉइंट की बात करें तो उधर, इसकी बात करें तो नीचे, इस तरह से लेते हैं। अब देखो ध्यान से, सतह से पारित फ्लक्स phi1 बराबर क्या होगा, माइनस p नॉट pi r स्क्वायर, ये तो आ गया phi1। अब अगर मैं वक्राकार भाग की बात करूं, वक्राकार भाग के किसी भी बिंदु पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात करोगे तो वो हमेशा विद्युत क्षेत्र से लंबवत होगा, हमेशा क्या होगा विद्युत क्षेत्र से लंबवत। मान लो आपने विद्युत क्षेत्र ऐसे ले रखे, लेफ्ट टू राइट ऐसे ले रखे इस तरह, ठीक है, और मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं, पॉइंट पे अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा की बात करूं तो वो क्षेत्रफल सदिश हमेशा विद्युत क्षेत्र से कैसा होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस केस में क्षेत्रफल सदिश ऐसे है तो यहां से जो पारित फ्लक्स होगा phi2 उसका मान कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि लंबवत। अब आपके पास ये वाली सतह और बची, इस सतह से पारित फ्लक्स की बात करें, यहां से फ्लक्स एंटर हुआ इसमें घुसा और यहां से बाहर निकला, जितनी बल रेखा है इसमें घुसी उतनी बल रेखा इससे बाहर निकलेगी, फ्लक्स क्या होना चाहिए जीरो, ये एक कांसेप्ट हमने सीखा था। तो अगर मैं यहां से फ्लक्स की बात करूं तो मुझे ध्यान से देखो, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा भी है, तो फ्लक्स phi3 बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, e नॉट pi r स्क्वायर cos 0, कितना होगा बेटा cos 0, कितना cos 0 1, वैल्यू कितनी आ गई e नॉट pi r स्क्वायर, और phi नेट कितना होगा, phi नेट कितना होगा बेटा phi1 plus phi2 plus phi3, तीनों को ऐड करो, ये माइनस की वैल्यू है प्लस की, ये जीरो, कितना होगा बेटा, डिग्री की जरूरत नहीं है जीरो। आपने क्या लिया था, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नियत विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा किधर, बंद सतह रख दी। पिछले क्वेश्चन में भी यही देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी आपके पास जो घन था वो एक बंद सतह थी, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि जो आपके पास सिलेंडर है, वो भी विद्युत क्षेत्र में रखें या उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रखें तो उससे पारित फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। ये मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ इससे रिलेटेड, उसके बाद अपन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा हमने घन का क्वेश्चन कर लिया, हमने सिलेंडर का क्वेश्चन कर लिया, अब मैं बात कर लेता हूँ गोले की। मैं किसकी बात कर लेता हूँ, सपोज आपके पास एक गोला है, क्या घन का गोला जिसकी त्रिज्या कितनी मान ली आर, इसका एक केंद्र, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है प्लस टू आवेश, प्लस टू आवेश से बल रेखाएं निकली, सपोज ऐसे तीन बल रेखाएं निकली, तीन बल रेखाएं मैंने इस तरह से, और फिर मैंने आपसे पूछा बताओ इस गोले से पारित फ्लक्स कितना होगा, फाइनल इस गोले से पारित फ्लक्स फाइनल की वैल्यू क्या,
हमने तीन ही बल रेखाएं मान ली, सपोज तीन बल रेखाएं निकली, एक ऐसे गई, एक बीच में से गई, एक ऊपर से गई। अब मुझे बताया कि इसमें तीन ही बार निकली है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, फाइनल क्या होना चाहिए, जीरो। अगर किसी बंद सतह से जितनी बल रेखाएं उसमें घुसती हैं उतनी बल रेखाएं बाहर निकले तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। हमेशा किसी बंद प्रश्न में या बंद सतह में प्रवेश करने वाला घुसने वाला जो फ्लक्स है वो ऋणात्मक होगा और बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो धनात्मक होगा, और उतना ही होगा तो परिणामी क्या होगा बेटा, जीरो। और उसको हम प्रूफ भी करें। देखो ध्यान से, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मैं देखूं, ये वाला कोण 90 डिग्री से ऊपर, ये वाला कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब जो मान होगा फ्लक्स का वो ऋणात्मक होगा। cos 90 से ऊपर वाली वैल्यू माइनस की होती है, तो ये मान जो है वो 90 से बड़ा है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, विद्युत क्षेत्र ऐसे और आपका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका कोण 180, यहां पे भी फ्लक्स ऋणात्मक होगा। मैं इस बिंदु की बात करूं, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे, विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये वाला कोण क्या बनेगा, 90 से वो 90 से बड़ा है। तो तीनों स्थितियों में अगर फ्लक्स की बात करी जाए यहां पे, तो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू। आगे चेक करते हैं, यहां पे इस बिंदु पे ध्यान से देखो, आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, फ्लक्स कैसा होना चाहिए, यहां पे फ्लक्स धनात्मक। इस बिंदु पे बात करें, एरिया वेक्टर भी इधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर, फ्लक्स कैसा होगा बेटा, धनात्मक। इस बिंदु की बात करें, आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, आपके एरिया वेक्टर की दिशा इधर, बीच का कोण 90 डिग्री से छोटा, तो इस वाली स्थिति में ध्यान से देखा जाए तो फ्लक्स धनात्मक होगा, इस वाली स्थिति में ध्यान से देखा जाए तो फ्लक्स कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। और देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें इस पूरे बात की, तो यहाँ पे एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, बट विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। आपके फ्लक्स का सूत्र होता है ईए कॉस थीटा, ईए कॉस थीटा। इस स्थिति में ध्यान से देखा जाए क्षेत्रफल कम है, और इस स्थिति में ध्यान से देखा जाए तो इस आवेश से दूरी ज्यादा होने के कारण विद्युत क्षेत्र तो कम होगा बट क्षेत्रफल ज्यादा है। यहाँ मान ऋणात्मक है, यहाँ मान धनात्मक है, और 101% जितना फ्लक्स ऋणात्मक होगा उतना ही धनात्मक होगा, फाइनेंटी ऑफ जीरो। क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, किस तरह से गुजरने वाला फ्लक्स अगर आपका विद्युत क्षेत्र नियत है, या मैं बोलूं कि बंद सतह है उससे कोई बल रेखा है, जितनी बल रेखा है अंदर प्रवेश करें उतनी ही बाहर निकले, तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, शून्य। ठीक है ना, तो ये हमने तीसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो चर राशि हो, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो, चर राशि। अगला एग्जाम्पल बहुत ईजी है, कई है, हम उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, एक घन जो है वो मूल बिंदु से एल दूरी पर, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर लेंगे, एल दूरी। ये घन है मेरे पास, मैं ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास एक घन है, भुजा क्या मान लेंगे, स्मॉल ए, और ये कितनी दूरी पे है, मूल बिंदु से एल दूरी पर, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर रखा, एल दूरी पर, इस भुजा इसकी भुजा है ए। और जो विद्युत क्षेत्र लिखा है ना आपने ई सदिश बराबर, वो लिखा हुआ है ई नॉट एक्स आई पर, वेरिएबल ई का मान जो है वो एक्स पर निर्भर करेगा कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर रखा है। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, घन से पार फ्लक्स का मान ज्ञात करो, फाइव ज्ञात करो, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही था, बस चेंज क्या हुआ, अब हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो एक चर राशि था। पिछले क्वेश्चन में जब हमने देखा घर वाले क्वेश्चन में ये वाली कांस्टेंट थी तो फ्लक्स आया था शून्य, अब हमें ये चेक करना है कि क्या इस स्थिति में भी फ्लक्स शून्य है। तो ध्यान से देखो, चार्ज सतह तो लंबवत आपकी डायरेक्शन तो वही है आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, ई नॉट एक्स आई कैप, ये तो एक्स एक्सिस में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसमें है, एक्स एक्सिस में ही है, डायरेक्शन फिक्स है। हाँ,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है। तो चार्ज रहता है तो लंबवत होने के कारण फ्लक्स क्या होगा, सदिश E के लंबवत, ये वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश E के लंबवत बाहर वाले का और इसके पीछे वाले। अब आपके पास दो सतह है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो इधर, इसके विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इधर, इसका कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। तो यहां से पारित फ्लक्स की बात करें जाए phi1, क्या लिखा जाएगा सूत्र, E वेक्टर डॉट A वेक्टर phi1 बराबर E वेक्टर, ध्यान से देखो यहां पे E कितना होगा वो डिपेंड करेगा x, यहां से देखा जाए मूल बिंदु से x कितना है l, मूल बिंदु से x कितना है l, तो E कितना होगा बेटा ध्यान से देखो E नॉट l, E वेक्टर का परिमाण कितना होगा E नॉट l, x की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा l, और विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में, बट विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो गया इस बार, यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र की बात करी जाए तो देखो x का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और ये भुजा a, a plus l, तो यहाँ पे जो है e का मान कितना हो जाएगा बेटा e not a plus l, फ्लक्स कितना होगा phi के बराबर है e not a plus l small a cos 0 0 डिग्री, cos का वैल्यू मान लो phi कितना हो गया बेटा a स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो e नॉट a क्यू a स्क्वायर a क्यू प्लस e नॉट l a स्क्वायर, समीकरण संख्या 2 बोलो phi नॉट कितना हुआ, phi नॉट इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2, इसमें इसको छोड़ो ये वाला रहा से माइनस के वाले से प्लस की का गेन क्या बचा आपके पास e नॉट a क्यू, यही आंसर है। अगर आपका विद्युत क्षेत्र एक चर राशि है उस स्थिति में किसी बंद परत से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और ये पक्का क्वेश्चन किताब में इस टाइप का है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर विद्युत क्षेत्र मेरा वेरिएबल है चर राशि है उस स्थिति में फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स जीरो कब होगा जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा, विद्युत क्षेत्र एक नियत राशि होगी, ठीक है, उस स्थिति में फ्लक्स जीरो आता। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो बेटा हमने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए, अब अगली क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होगा हमारा सतत आवेश वितरण। क्या होगा बेटा सतत आवेश वितरण, ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ये न्यूमेरिकल आप डिस्कस करना और फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में वो सब सॉल्व कर डालना, ठीक है ना, फ्लक्स वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पास वो सब सॉल्व कर डालना, ठीक है ना। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण और उसके बाद गॉस का नियम डिस्कस करेंगे।